राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा किसानों के समर्थन में और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ ट्रैक्टर में संसद पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये ट्रैक्टर आने वाली क्रांति का प्रतीक कहलाएगा, किसानों पर हो रहे अत्याचार का अंजाम आने वाला वक्त बताएगा। उन्होंने आगे कहा कि जब तक सरकार किसानों की आवाज़ नहीं सुनेगी, संसद में और संसद के बाहर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा किए बिना संसद नहीं चलेगी, अगर संसद चलानी है तो सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। इससे पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने लगातार चौथे दिन राज्यसभा के नियम 267 के तहत काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया और किसानों के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग उठाई, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने काम रोको प्रस्ताव अस्वीकार कर शोर शराबे के बीच कार्रवाई मुलतवी कर दी। संसद में और संसद के बाहर लगातार किसानों की आवाज़ उठा रहे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है, अहंकार में डूबी है सरकार, न तो संसद में किसानों की आवाज़ सुन रही है, न ही संसद के बाहर बैठे किसानों की बात सुन रही है। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि उसके कान केवल अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। संसद में विपक्ष को किसानों की आवाज़ उठाने तक का समय न देना इस बात का प्रतीक है कि सरकार किसी कीमत पर किसानों का हित नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हल्ला बोल हरियाणा।